और अब समय है कसम संविधान की का। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें कभी ना कभी जरूर गिरता है। ये बात पाकिस्तान पर इस समय बिल्कुल सही फिट हो रही है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए आतंकियों की फैक्ट्री लगाई, उन्हें खाद पानी दिया। आज वही आतंकी खुद उसके लिए बर्बादी का सबब बने हुए हैं। लेकिन अब मामला इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकियों का हेडमास्टर हाफिज सईद आज डरा सहमा सा है। उसे अपने ही लोगों के हाथों मौत का डर सता रहा है, क्योंकि एक के बाद एक उसके अपने ही परिवार वाले और खास आतंकी मारे जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब अगला नंबर हाफिज सईद का है, और क्या अगर ये नहीं सुधरा तो अपने ही बनाए भस्मासुरों यानी आतंकियों की मौत मर जाएगा पाकिस्तान। क्या आतंकियों के बिना पाकिस्तान का वजूद संभव नहीं है, करेंगे विस्तार से चर्चा। भस्मासुर, सबसे पहले बता देते हैं कि भस्मासुर कौन था। भस्मासुर एक राक्षस था, वो राक्षस जिसने भगवान शंकर से वरदान लेने के बाद उनके सर पर ही हाथ रखकर उनको खत्म करने की कोशिश की थी। तो क्या यह माना जाए कि जो आतंक को स्टेट पॉलिसी बनाने का भस्मासुर पाकिस्तान ने खड़ा किया था, अब वही भस्मासुर दौड़ रहा है पाकिस्तान के पीछे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल जी हैं पूर्व राजनयिक, के सिन्हा साहब हैं रक्षा विशेषज्ञ, सुशील पंडित जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, उज्मा कारदार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता हैं, मुकीम अहमद पाकिस्तानी पत्रकार हैं, डॉक्टर राजा काशिफ साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर काशिफ, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? कई धमाके हो रहे हैं, कहीं पर आतंकियों का ही कत्ल किया जा रहा है, कहीं पर अब तबाही सी मची हुई है पूरी तरह से पाकिस्तान में। सर, ये बड़ी आपने बात की, बाकी ये जो अभी आपने मिसाल दी ना भस्मासुर की, भस्मासुर ही गालिबन नाम है, तो मुझे लगता है कि यही आलम था। गांधी जी के साथ भी यही हुआ कि वो देख लें गॉडसे जो था उसने मर्डर कर दिया। तो ये सब कुछ किस तरह से हुआ, देखें जो फादर ऑफ द नेशन थे आपके इंडिया के, उनके साथ एक शख्स उठता है और ये कर देता है, तो वहां भी तो यही हुआ है ना, इसको आप क्यों भूल जाते हैं। और वो तो आपको याद होगा गॉडसे के तो घर पे भी पथराव हो गया था, उसके बाद बड़े मसाइल हुए, लेकिन आज वही जिन सिंह वही संघ परिवार पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। आपको चलिए वो तो 1947-48 की बात थी काशिफ साहब, उसके बाद भुट्टो साहब, परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, आपके यहां तो सर हम तो चलिए मान लीजिए आजादी हमें मिली उस दौरान जो हुआ हम उसको भूल करके आगे बढ़े, आप तो सर आज भी वही हैं। सर 48 से बाहर आ जाइए सर, 2023 चल रहा है। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के बजाय अपने ऊपर ध्यान देता तो शायद ये नौबत ना आती। अभी मुस्तुंग में सर 50 से ज्यादा शायद मरने वालों की संख्या बढ़कर के 60 हो गई है। सर इन 60 लोगों की जिंदगी, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? यही बात तो हम भी करते हैं कि देखें आप पाकिस्तान पे देखते हैं 50 बंदे 60, आप देखें कि जो आपकी जो सिस्टम है वो कहां है। गुजरात में 2016 से 2020 तक आपकी अपनी रिकॉर्ड ब्यूरो जो है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल उसकी रिपोर्ट है 40,000 से ज्यादा महिलाएं हैं खवातीन हैं वो गायब हैं मिसिंग है। वो मोदी साहब कुछ भी करते चले जाएं, आज आपका टीवी चैनल्स कोई मोदी सरकार के खिलाफ बात नहीं करता। राजा काशिफ साहब, राजा काशिफ साहब, एक कुछ दिनों पहले की एक रिपोर्ट जो है बड़ी सुर्खियां बटोर रही है। राजा काशिफ साहब एक सुर्खियां बड़ी रिपोर्ट बटोर रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दुनिया भर में भिखारी सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कितनी शर्मनाक सिचुएशन है सर, हिंदुस्तान से तुलना मत करें सर, आप हिंदुस्तान से तुलना मत करें, आप पाकिस्तान की हालत को देखिए, भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं सर वहां पे। ये बढ़िया आपने खूब बात की है कि भिखारी। सर मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी रिपोर्ट अगर कहेंगे तो आपको चला के दिखा दूं सर, सोशल मीडिया पर चला के दिखा दूं, आपके यहां की रिपोर्ट है सर, 11 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, वहां हिंदुस्तान का तो हाथ नहीं है। उन अगर जो है जो 11 लोगों को डिपोर्ट किया गया है पाकिस्तानियों को भिखारी कह करके, वहां तो हिंदुस्तान का हाथ नहीं है सर, वहां तो मोदी जी का हाथ नहीं है, या कह दीजिए उसके पीछे भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। अब मैं अर्ज कर लू जी, आपकी नेशनल, मैं आपसे कह रहा हूं क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो आपका कह रहा है सन 2000 से 2020 तक 41,600 खवातीन फीमेल मिसिंग है, वो भी आपकी रिपोर्ट, आपका अपना क्राइम ब्यूरो है।
आपका अपना रिकॉर्ड भी हो रहा जी। है सर, हम तो नहीं दे रहे रिपोर्ट। और वो ही गुजरात में हो रहा है, गुजरात का कसाई खुलेआम घूम रहा है, दंदनाता फिर रहा है और ब्राह्मणों अपनी जबान को लगाम दे सर, अपनी जबान को लगाम दे। आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों के यहाँ जो है कुछ भी कहने की आजादी है अपने नेताओं को, हमारे यहाँ जो है कोर्ट के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। बहरहाल जो जो सवाल मैंने पूछे एक भी आपने जवाब नहीं दिया सर। 59 लोगों की मौत अभी कुछ दिनों पहले हुई, कोई उसमें जवाब नहीं दिया। भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। महंगाई और बेरोजगारी बाकी चीजों पर मैं आऊंगा आगे। उज्मा खरदार जी, क्या स्टेट पॉलिसी जो पाकिस्तान की रही है कहीं ना कहीं टेररिस्ट को लेकर के जिस तरह से बढ़ावा देने की, अब गंभीरता से उस पर सोचने की जरूरत है? यह अब आप लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है हिंदुस्तान या बाकी दूसरे मुल्कों को छोड़ करके? आपने मुझसे पूछा? जी जी उज्मा कारदार जी, आप ही से पूछा। जी जी, देखिए बात सर ये है कि आप लोगों के एहसाब पे पाकिस्तान सवार है। हालांकि आप को तो फिक्र करनी चाहिए कि आप लोग सबसे बड़ी आतंकवादियों की जो फैक्ट्री है वो तो इंडिया में लगाई हुई है। कहां पर मैम? अभी आप जाके इसका आप जाके तो जस्टिन ट्रूडो से जरा पूछें, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हमारी जो अच्छा आपको नया जो है नया रहनुमा मिल गया है जस्टिन ट्रूडो वहां से जी। आप रॉ के हाथों उनको मरवा रहे मैम, आपके दीप और वो उनको दोनों को आपने मरवाया है वहां पे, आपने वहां पे जो उज्मा कारदार जी आपकी आपका नेटवर्क वहां पर वीक है और मैं समझ सकता हूं कि वहां नेटवर्क जब पूरी इकोनॉमी की हालत खराब है तो आपको जी जी नेटवर्क आपका बड़ा खराब आ रहा है मैम। मुकीम अहमद साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मुकीम अहमद साहब, टेररिज्म को लेकर के अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि अगर आप सांप को पालेंगे, अगर आप खूंखार जानवर को पालेंगे, कभी ना कभी वो आपके ऊपर खुद भी पलटवार कर सकता है। और टेररिज्म ऐसा ही एक खूंखार जानवर है और पाकिस्तान की जनता को डस रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डस रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, $11 बिलियन अब जो है चीन और सऊदी अरब से मांगने की नौबत आ गई है। सर गंभीरता से सोचने की जरूरत है पाकिस्तान के हुक्मरानों को। देखिए आपकी सोच है ना वो बड़ी नेगेटिव है। हर चीज का इल्जाम एक तो आपने पाकिस्तान को देना होता है। पहले दिन से ही आपके यहाँ पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस नहीं थी, 1947 से हम ये देख रहे हैं। गांधी जी ने अपनी जान दी थी वो भी इसीलिए कि पाकिस्तान को जो एसेट्स मिलने चाहिए थे वो आपने नहीं दिए थे। अब इन दिनों में ये जो कुछ हो रहा है इसमें हम इंडिया को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि आपकी तरबियत, आपके वसायल, योर रिसोर्सेज, योर ट्रेनिंग विच इज वर्किंग हियर। और उस आप ये हाफिज सईद का मुद्दा आपने खड़ा कर दिया सर। आप अफगानिस्तान वाले जो है आपको पीट रहे हैं सर। आप अफगानिस्तान तो आपके जो है सेना के लोग गए थे, बड़े खुश हुए थे जब तालिबान आए थे, अब तालिबान भी आपको पीट रहे हैं सर। उसमें मत कहिएगा कि हिंदुस्तान का हाथ है। यार आपके 8 कौंसल खाने थे वहां पे, वो क्या कर रहे थे जी? और उन्होंने फिर भगाया वहां से कैसे, वो आपको याद रखना चाहिए। अब ये देखिए कि अब ये हाफिज सईद का बेटे की लापता होने की खबर आप लोग चला रहे हैं, हालांकि हमारी इत्तला के मुताबिक वो लाहौर में यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है और वो वहीं पर है। देयर इज नो न्यूज इन द मीडिया, देयर इज नो मेंशन ऑफ हिज सन। और इसको बिला वजह अब आपको कनाडा के इशू से डाइवर्ट करने के लिए अब ये मिल गया। और जब तक ये अगला चुनाव नहीं होता ना, आपने हमारी जान नहीं छोड़ी। दैट्स व्हाट आई सी जी। और मुस्लिम में जो 59 लोग मारे गए हैं, आए दिन जो मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके पीछे भी इंडिया जिम्मेदार है सर। सर हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि पाकिस्तान पर इतना ध्यान दे सर। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है, हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हमें कर्ज मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें जो है खैरात मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना ही हम भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो बेशक जो है हिंदुस्तान को अपने घरेलू मामलों में घसीटते रहे। प्रभु दयाल जी, क्या अभी भी कोई ऐसी उम्मीद लगती है कि स्टेट पॉलिसी जो पाकिस्तान के टेररिज्म बना हुआ है ये ठीक हो जाए? मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई बेहतरी होगी, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म तो इनकी बड़ी पुरानी पॉलिसी है और इनके नस नस में घुसी है। देखिए ISI जो है वो भारत के खिलाफ तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का इस्तेमाल करता ही है,
अब वो दूसरे देशों के खिलाफ भी करने लगा और इसी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की जो चर्चा होती है वो एक टेररिस्ट देश की तरह होती है। अब बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जैसे लश्करे तैयबा, जैशे मोहम्मद, इन सब को पाकिस्तान गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, ISI से ट्रेनिंग मिलती है, हथियार मिलते हैं पाकिस्तान आर्मी से और इनका इस्तेमाल किया जाता है खासतौर पर इंडिया के खिलाफ जी। इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है और ना आएगा, क्योंकि ये तो इनकी अब एक पॉलिसी बनी गई है। अब जैसे आपने जिक्र किया कि वहां पर कैसर फारूक की हत्या हुई है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, इफ यू लिव बाय द सॉर्ड यू डाई बाय द सॉर्ड, ये तो होता ही ऐसे। और अब एक के बाद एक बहुत से यहाँ जो पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे थे इनकी हत्याएं हो रही हैं, गैंग वॉर्स किसके क्या जिक्र हो रहा है, ये भी जिक्र हो रहा है कि ISI जो है वो अब शायद इनको इनकी जरूरत नहीं रही तो इनको एलिमिनेट कर रहा है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। बहरहाल पाकिस्तान में आतंकवाद, टेररिज्म, वायलेंस इतना बढ़ गया है कि वो काबू में नहीं आ रहा है और ना आएगा हाल फिलहाल जी। उज्मा कारदार जी, आपकी तभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है कि टेररिज्म जो है वो कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता, और एक्सपोर्ट करने के बजाय अगर अपने टेररिज्म को बढ़ावा देने के बजाय अलग अलग नामों से अलग अलग पॉलिटिकल जो है रीजन बता करके अगर देश के हालात पर ध्यान दिया जाता तो पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति ना होती। देखिए साफ सबको नजर आ रहा है आपके प्रोग्राम जो भी लोग सुन रहे हैं उनको पता है कि चूंकि आप कनाडा में इतनी मुश्किल में हैं और वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने सीधा वहां पे आप लोगों पे टेररिज्म का जो है वो जी कौन सा बयान था उनका टेररिज्म का मैम, तो आप उज्मा जी आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं, आप अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, उज्मा जी नई नई कहानियां पेश कर रहे हैं, अरे आपके यहाँ लोग मारे जा रहे हैं दुनिया को, उसका कनाडा से क्या लेना देना। और दूसरी बात जो आप जिन ट्रूडो साहब को जो है अपना रहनुमा बता करके, ट्रूडो साहब ने यह भी कहा कि भाई हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, चीफ था वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था वहां पे कनाडा में, उसको क्यों निकाला गया है बाहर वहां से, इसलिए क्योंकि वो इस तरह की आतंकवादी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। ट्रूडो साहब का दूसरा बयान आपने सुना मैम, पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है और आप जो है अब आप लोग चूंकि खैर उज्मा जी बार बार जो है नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आपके इसमें नेटवर्क की समस्या आ रही है, यही सवाल मैं लेना चाहूंगा मुकीम अहमद साहब। मुकीम अहमद साहब सुन पा रहे हैं हमें जी? मैं चंदन जी जवाब देता हूं जी। ये मई 2023 में रश्मीत सिंह को आपके लोगों ने बरतानिया में मारा, जून 2023 में अवतार सिंह खंडा को मारा, और गुज़िश्ता दिनों में कुछ 15 लोग इसी तरह चुन के मारे जा चुके हैं। आप उस कनाडा को तो आप बार बार, आप तो जर्नलिस्ट है सर, ट्रूडो साहब का अगला बयान तो आपने सुना होगा, उनका यह कहना है कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नहीं, मिलके काम करने का मतलब यह है कि आपको क्या मजबूरी है उनकी सर, क्या मजबूरी है? सुने भाई, उन्होंने आपको लाइसेंस टू किल दे दिया कि मारो जाके सिखों को वहां पे, इसका मतलब ये हो गया? डू यू टेक इट लाइक दिस? आप ये समझ रहे हैं कि उसका मतलब ये हो गया कि बर्तानिया में भी बंदे सर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, बहकी बातें कर रहे हैं यार, ये तो बचगाना किस्म के जवाब। साहब मैंने सवाल ये पूछा कि आपके यहाँ स्टेट टेररिज्म की जो पॉलिसी रही है इस पर ध्यान देने के बजाय आपकी इकोनॉमी पर ध्यान देने की जरूरत है, आपके यहाँ जो गरीबी बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, प्लेन से उतार दिया जा रहा है ये कह करके कि वहां जो है भिखारी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान से, सर ये बहुत शर्मनाक सिचुएशन है, हिंदुस्तान का फोबिया निकाल दें अपने दिमाग से, आप लोग अपने देश पर ध्यान दें। तो ये बताएं कितने कितने किसानों ने खुदकुशियां की आपके यहाँ, बताइए आपकी जरा का क्या हाल हुआ जब आपने ये नई कानून साजी की थी, एक साल तक सिख आते दिल्ली को ब्लॉक करके बैठे रहे। हमारे यहाँ जो प्रदर्शन होते हैं उसमें सरकार उनका उनकी सुनती है, हमारे यहाँ प्रदर्शन इस बात को लेके होते हैं सर, हमारे यहाँ प्रदर्शन इस बात को लेके होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री को उठाकर जेल में डाल देते हैं,
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि किसी हुक्मरान को आपकी पार्टी पीएमएल के जो नवाज शरीफ साहब हैं पिछले 2 साल से 3 साल से पड़े हुए हैं पाकिस्तान से बाहर। सर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सबको विरोध करने का अधिकार है। आप भी चाहें, आप भी अगर हिंदुस्तानी होते तो आपको भी विरोध करने का अधिकार होता, आपके यहाँ तो वैसा है नहीं। हमने देखा राहुल जी को 3 दिन में डिस्क्वालीफाई कर दिया था, खाली उन्होंने एक भाषण ही दिया था। हमने देखी है डेमोक्रेसी आपकी जी, और सुप्रीम कोर्ट से उन पर राहत मिली। आपने अपनी बात तक, आपकी बात का खुद ही जवाब मिल गया आपको। सर अगर जो है पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के आप ये बता दीजिए कि भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में कौन सी बेहतर है, आप बताएं सर, और क्यों है? रीजन के साथ, रीजन के साथ बताएं। डेमोक्रेसी की शक्ल में आपके यहाँ एक डिक्टेटरशिप है कि वो आप देख ले कि किस तरीके से वो एमएलए तोड़ तोड़ के आपने हर शानदार मुकीम अहमद साहब तारीफ करनी पड़ेगी आपकी। नहीं, मेरी तारीफ 2014 से पहले हमारे यहाँ कितने हुक्मरान रहे हैं और आपके यहाँ कितने हुक्मरान हुए और आपके कितने हुक्मरानों को जेल जाना पड़ा, मार दिया गया, कितने लोग को एग्जाइल में जाना पड़ा, आप बताइए। आपका तो कोई एक हुक्मरान जो है सर अपने कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसके बाद फिर वो बाहर सीधा निकल जाता है, सऊदी निकल जाता है या फिर इंग्लैंड निकल जाता है, ऐसा क्यों सर? भाई अब उनकी चॉइस है कि अगर वो बाहर की दुनिया में रहना चाहते हैं तो सर हंसी आ रही है सर। केके सिन्हा साहब, केके सिन्हा साहब, नेताओं की चॉइस होती है कि उनको जो है कार्यकाल पूरा करते हैं और उसके बाद फिर एग्जाइल में चले जाते हैं सर जी। देखिए चंदन साहब, जय हिंद। ये पाकिस्तान से आए हमारे ये जो गेस्ट हैं, खास करके मुकीम साहब, उज्मा, राजा, कैसे ये जो ये ना मोहतरमा और ये जो हमारे मियां साहब लोग हैं, इनके यू नो इनसे जो हम डिबेट करते हैं भारत की तुलना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो वो तो बेमानी है ही है। हम आज डिबेट के लिए बैठे हैं कि पाकिस्तान की वो हालत है, साफ सुछंदर की है, करें तो क्या करें। देखिए आपने पूछा चंदन साहब, तो जरा मैं बता दूं, 6 महीने से आप गिनते जाइए, 12 लोगों के नाम अभी आप गिनिए जिसमें पाकिस्तान में मैं गिनाता हूं, वसीम अहमद, 6 महीने की मैं केवल आपको दे रहा हूं, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें एक बोथ जो ये चलाना चाहते थे ना, केटू प्लान जी, खालिस्तान और कश्मीर की प्लान, हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान में मारा गया, हाँ खालिस्तानी, हैप्पी संघेड़ा, या उसके बाद बसीर अहमद पाकिस्तान, ये सब पाकिस्तान, मैं दूसरे नहीं बताता, इटली या कनाडा वाला, परमजीत पंजवार, बड़े बड़े उसको कहते थे हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो निकाला गया, और उसके बाद खालिद रजा का तो नाम आपने लिया ही लिया, अलबदर चाइना का स्पेशल आदमी होता था ये, चाइना सी जिनपिंग का, क्योंकि अलबदर से वो जम्मू एंड कश्मीर में फिर से रिवाइव करना चाहते थे, और गीदड़ों की तरह और गैंग वॉर के अंदर में आपने देखा ना, अभी कैसर फारूकी को देखा कैसे ये यू नो पजामा ऊपर करने वाले गैंग वाली यू नो कैसे मार रहे हैं और भाग रहे हैं। उसके बाद अभी जब आप अवतार खाड़ा को देखिए, उसके बाद एयाज अहमद अफगानिस्तान में, और ये इनके संरक्षण में थे, सईद नूर, आप नाम गिनते जाइए, कमलुद्दीन आपने सईद का नाम तो ले ही लिया। पाकिस्तान के इतनी बड़ी वहां पर वो चल रही है सोशल मीडिया में, कह रहे थे आईएसआई उसको संरक्षण दे रहा था, एक मियां ये पत्रकार आप कह रहे हैं जो फेक पत्रकार हैं, मुकीम साहब मियां साहब कहते हैं वो लक्चरार था, ये इन्होंने तकलीर की कि वो लक्चरार था जी, वो अभी लेक्चर पढ़ रहा है। नहीं, एक इंजीनियर भी था, एक इंजीनियर भी था सर, मीडिया नहीं पढ़ते डॉक्टर काशिफ, एक इंजीनियर भी आपके यहाँ पकड़ा गया था, बहुत मशहूर इंजीनियर था, नाम बताएंगे सर कौन था इंजीनियर वो? जरा एक दो नाम इनको और गिना दूं, इनके जी आऊंगा सर, आपके पास लौटूंगा, गिना दूं आपके पास लौटूंगा सर, जी मैं आपके पास लौटूंगा सर। भारत फौजी ना करें यू नो भारत की तुलना, ये बैठे बैठे इनको एक मिल जाता है प्लेटफॉर्म, ठीक है अरे सर, कहां है टेररिस्ट? सिन्हा साहब मैं आपके पास लौटूंगा सर, एब्सोल्युटली यू नो आउट ऑफ, ठीक है मेहमान है हमारे साथ, उनको उनके उनको भी बोलने का मौका देते। काशिफ साहब, एक मशहूर इंजीनियर भी आपके यहाँ पकड़ा गया था, जिस तरह से लेक्चरर है हाफिज सईद का बेटा, इज्जत करते हैं हम, उसी तरह एक मशहूर जो है इंजीनियर आपके यहाँ पकड़ा गया था, मारा गया था, कौन था सर वो इंजीनियर?
आप बात कर ले मुकम्मल, जी मैं जवाब देता हूँ। एक हिंट देता हूँ सर, एबटाबाद। बात मुकम्मल कर ले, एबटाबाद। हिंट सर, हेलीकॉप्टर आसमान से उतरे, मार डाला ओसामा बिन लादेन। आर्मी क्वेटा में जो उनकी आशिफ साहब, ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कहां मिला था सर? ये आपने डार 030 देख लिया, मिला क्या था? कोई कहीं से नहीं मिला जी। आपको कौन कह रहा है मिला? अच्छा ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ नहीं मिला था? अरे सुने सुनाई के घर पे घुस के मारा अमेरिका। अरे आप रहने दे, आप सिख अरेंजमेंट किए, आपको क्या मतलब? ठीक है सर, काशिफ साहब। अरे राजा साहब, काशिफ साहब मजाक आपने बहुत। ठीक है, सुशील पंडित जी हमें बड़े गौर से सुन रहे हैं यार। राजा काशिफ साहब ठीक है, आपने मर रही है, सिसक रही है, बिलक रही है, उनको समझ नहीं आ रही कि हिंदुस्तानी सेना जाएगा। राजा फेक डॉक्टर से, डॉक्टर इंजीनियर सुशील पंडित साहब पाकिस्तान में सब सारे टेररिस्ट। राजा काशिफ साहब सुनिए, राजा काशिफ साहब आपके यहाँ महंगाई सर घट के 27% हुई है, सोचिए जरा सोचिए। भारत में 6% से अगर ऊपर जाती है तो यहां आरबीआई से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच जाता है। आपके यहां घट के 27% हुई है सर, आपके लोग आपके जो है जनता को लेकर के कोई जवाबदेही है या नहीं है? सुशील पंडित जी इतनी बुरी स्थिति में होकर के भी भारत से तुलना की जाती है, भारत के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। आपने सुना पहले मैंने पाकिस्तानी मेहमानों को मौका इसीलिए दिया मैंने कि जो गंभीर मुद्दे होते हैं पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी की बात हो रही थी, लेकिन जवाब आपने सुना, रिस्पॉन्ड करें सर। चंदन जी पाकिस्तान से आए आपके मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूंगा सबसे पहले। ये बड़े मुअज्जिज़ मेहमान हैं और आप इनकी बड़ी बेकदरी करते हैं, क्योंकि ये अमूमन पंजाबी होते हैं, तो मैं इनको पंजाबी की एक कहावत याद दिलाता हूँ। पाकिस्तान से आए मेहमानों को मैं अमूमन ये कहावत याद दिलाता हूँ कि मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं, जो आपके मुंह पे मुकर जाए सच्चाई सुनकर भी उसको आप क्या समझाएंगे, क्या हिदायत देंगे और उससे क्या तवक्को रखेंगे। जैसे मरे का इलाज नहीं हो सकता, ऐसे मुकरे का भी कोई इलाज नहीं हो सकता। आप उसको लाख सच्चाई बताएं, लाख आंकड़े गिनाएं, लाख गिनतियां गिनाएं, नाम सुनवाएं। मैं आपको सिर्फ दो वाक्य बताना चाहता हूं। आज से कोई 65 साल पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे मुरारजी देसाई, वो पाकिस्तान गए थे, 1959 का साल था, और उस समय के एक सिविल सर्वेंट जो आज भी जिंदा हैं, उनकी उम्र 100 से ज्यादा हो गई है, खुदा उन्हें और उम्र बख्शे, रुदाद साहब, वो उनके साथ प्रोटोकॉल में लगे थे। तो मुरारजी देसाई ने थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए उनसे कहा, क्योंकि अयूब खान मार्शल लॉ लगा चुके थे, तख्ता पलट हो चुका था पाकिस्तान में जी, तो उन्होंने उनसे पूछा आधा डांटते हुए कि तुम्हें पाकिस्तान क्या इसीलिए दिया था कि तुम मार्शल लॉ लगाओ? तो रोदाद साहब ने मुरारजी देसाई से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम एक ही लोग हैं, हमारे यहां थोड़ा जल्दी हो गया, आपके यहां भी देर सवेर हो ही जाएगा, हमें फर्क ज्यादा नहीं है। आज जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान को आंकने में गलती की, हमारे यहां एक बार भी मार्शल लॉ नहीं लगा, और इनके यहां आए दिन तख्ता पलट होता है या फिर पीछे से बैक सीट ड्राइविंग होती है, जिसको अब एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, रावलपिंडी वही मुल्क को चलाकल में ले जाती है। और दूसरा आपको वाकया बताना चाहता हूं, एक लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी हुए आईएसआई के, उनसे ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में, वहां मेहदी हसन है वो अल जजीरा का एक जर्नलिस्ट हुआ करता था, उसने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए साहब आपने जिस तरह मुल्क को चलाया है, हाल ही में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में आपके 150 बच्चे मार दिए गए, ये तो फौजियों के बच्चे हैं, 2013-14 का समय समझ आ रहा है कि आपने क्या हाल की? जी हाँ, उन्होंने कहा आपको कुछ समझ आ रहा है आपने अपने मुल्क का अपना क्या हाल कर दिया है? आपके बच्चे स्कूलों में, अपने स्कूलों में छोटे बच्चे, निर्दोष बच्चे, वो सुरक्षित नहीं है, उनकी उनका क्या हाल होगा? तो उन्होंने बिना चेहरे पर शिकन लाए जानते हैं क्या जवाब दिया था जी? ये लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी है, उम्र दराज आदमी है,
कहते हैं कि जब मुल्क के बड़े इरादे होते हैं तो उसमें कोलैटरल डैमेजेस की फिक्र नहीं की जाती जी। ये यूट्यूब पे आप भी मौजूद हैं, इनके लिए अपने बच्चे अपनी नस्लें कोलैटरल डैमेज हैं। ठीक है जी, ये मुल्क लकवा मारा गया है इसकी अखलाक को। उज्मा जी हमसे जुड़ गए हैं, इससे आप कुछ सोचने समझने की तवक्को नहीं रख सकते। उज्मा जी हमसे जुड़ गए हैं, नेटवर्क का बेहतर लग रहा है, बोलिए मैम जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, मैंने अभी जाना है कहीं बहुत जरूरी, तो मुझे आखिरी बात एक करनी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो इतनी बातें की, मैं आपसे पूछती हूँ कि जो आपके गांधी जी थे वो किस तरह, उनको किसने मारा? फिर आपकी इंदिरा गांधी थी, वो उनको किसने मारा? आपके राजीव गांधी थे, उनको किसने मारा? तो देखें ये चीजें जो है ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो ये किसी भी मुल्क में हो सकती जी, मैंने इसमें आप अपना आप, आपने जो शुरुआती सवाल पूछा था उसका जवाब मैं दे चुका था आशिफ साहब को, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा हमारे यहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई, आपने ठीक कहा जी बिल्कुल। अब आगे सुनिए मैम उसके बाद, लेकिन हमने सबक लिया। राजीव गांधी का असैसिनेशन 1991 में हुआ था, 32 साल गुजर गए मैम, 32 साल, 3 डेकेड्स, हम वहां से बहुत आगे आ चुके तो, और उसके बाद से हमने सबक लिया। लेकिन मैम आप लोगों ने सबक नहीं लिया, मैम आप लोगों ने सबक नहीं लिया, और उसका सबसे बड़ा सबूत आपकी पार्टी के नेता नवाज शरीफ साहब हैं जो कि विदेश में बैठे हुए हैं। मैम सबक आपने नहीं लिया, आगे बोले आप। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आप उनकी चिंता ना करें जी, आप सिर्फ ये देखें कि आपको हर वक्त आईएसआई का खौफ क्यों रहता है। आप कनाडा में खुद मारते हैं लोगों को रॉ के थ्रू और कहते हैं ये तो आईएसआई कर रहा है। आप मैम आप अपना नेटवर्क प्रोवाइडर बदलें, अगर वहां उम्मीद हो कि बदल सकें, दूसरा कोई मोबाइल नेटवर्क वाला हो जो ठीक नेटवर्क दे सके तो वो दें। हालांकि पाकिस्तान की अगर जो हालत है, पाकिस्तान के बारे में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 60-70 के दशक में एक बात कही थी कि पाकिस्तान एटम बम बनाएगा भले ही घास की रोटी खानी पड़े। बिल्कुल सही बात उनकी साबित हुई, पाकिस्तान ने एटम बम भी बनाया और जो हालात हैं वहां पर वो घास की रोटी खाने वाले ही हो रखे हैं। पेट्रोल मिल रहा है 333 रुपए, काशिफ साहब 333 रुपए जो पेट्रोल मिल रहा है कह दीजिए वो भी उसके पीछे मोदी जी जिम्मेदार हैं। मोदी जी महंगा कर रहे हैं पेट्रोल आपके लोगों के लिए, आटा मोदी जी महंगा कर रहे हैं पाकिस्तान वालों के लिए, कह दीजिए सर। अब मैं बात कर लूं जी। अच्छा पहली बात है कि पेट्रोल हर 15 दिन बाद उसके प्राइस चेंज होते हैं, कल रात 8 रुपए उस पर काम हो चुके हैं जी। ठीक आपके लेटेस्ट मेरे ख्याल में आप इतनी हमारी जी, मुझे पता है। सर 333 रुपए, अरे सुन ले, नेटवर्क की आपने बात की, मैं आपके सामने हूँ। मेरे ख्याल में नॉनस्टॉप जितने प्रोग्राम्स हैं हम नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मसला हुआ नहीं उनका। हो सकता है कोई ऐसी लोकेशन हो, किसी गांव देहात में हो, या ऐसी मोटरवे पे भी हो सकती है, हाईवे पे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरा ये कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप देखिए आप कहते हैं पीओके। देखिए हालांकि नेहरू जी उसको लेके गए यूनाइटेड नेशन में, मुतनाज़ा बाहर आ जाइए सर, 70-75-80 साल पुरानी बात हो गई, मौजूदा वर्तमान में आइए, प्रेजेंट में सर। आपके यहाँ $11 बिलियन मांगे गए हैं सुशील पंडित जी, घर में नहीं दाने अम्मा चले भुनाने, यहाँ घास की रोटी खाने की नौबत आ रखी है, लेकिन फिर भी अकड़ नहीं जाती सर। सुशील जी अरे आपके पास अपने हालात कश्मीर में जो आप कर रहे हैं, ये गधे एक्सपोर्ट कर देंगे, ये भिखारी एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये गधे एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये अफीम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये कुछ भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये इस वक्त अपनी नस्लें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो आधी डूब के मर जाती हैं मेडिटेरेनियन सी में, ऐसी ऐसी कश्तियों में भेजते हैं अपनी नस्लों को, कभी सीरियन बना के भेजते हैं, कभी इराकी बना के भेजते हैं, कभी रिफ्यूजी बना के भेजते हैं। यही बहुत बड़ा सवाल, यही बहुत बड़ा अंतर है, पाकिस्तानी निकलते हैं। सुशील जी मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन एक बहुत गंभीर बात है यहाँ। मैं शो के अंत में, हमारे पास समय बहुत कम है, कैमरामैन से चाहूंगा मैं कि वो इसे जूम करके दिखाएं। ये भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी है, 1947 में दोनों देश आजाद हुए थे, साथ साथ चले थे, और उसके बाद देखिए भारत की इकोनॉमी कहां पहुंच गई और पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां घिसट रही है। यही अंतर है, और यही अंतर पाकिस्तान के मेहमानों को हम इसीलिए बुलाते हैं ताकि यही अंतर दिखा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए।